ऑल राइट, तो जब आप लोग उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे तब आप लोग को यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद गेट स्टार्टेड में क्लिक करना है एंड अपने आईफोन डिवाइस को यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। कनेक्टिंग की प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है बट जैसे ही कनेक्टिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी फाइनल इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पे ऊपर की तरफ आप लोग को इसके सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे। साइड में आप लोग को सर्च बार मिल जाएगी, यहाँ पे स्क्रीन पर गोल मिल जाएगा। सबसे पहला फीचर जो इसके अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा वो वन क्लिक के अंदर टेलीपोर्ट करने का फीचर है। आप लोग किसी भी लोकेशन पे वन क्लिक के अंदर टेलीपोर्ट हो सकते हैं, जिस तरीके की मैं आप लोग को यहाँ पे डेमो भी दिखा रहा हूँ। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पे ऊपर की तरफ एक सर्च बार भी देखने को मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ स्क्रीन को, तो यहाँ पे सर्च बार है, यहाँ पे आप लोग किसी भी लोकेशन को सर्च कर सकते हैं। मैं बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल के लिए ज़ारागोज़ा सर्च कर रहा हूँ, तो ज़ारागोज़ा सर्च करके आप लोग वन क्लिक के अंदर वहाँ पे टेलीपोर्ट हो सकते हैं। आप लोग गेम के अंदर देख सकते हैं मेरी लोकेशन जो है वो चेंज हो चुकी है। अब बात करते हैं इसके सेकेंड फीचर के बारे में। तो इसका जो सेकेंड फीचर है वो है वन स्टॉप मोड, जिसकी मदद से आप लोग एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में वॉक कर सकते हैं। स्पीड वगैरह आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, देन आप लोग वन क्लिक के अंदर यहाँ पे इजीली वॉकिंग कर सकते हैं। ये बेसिकली टैग वगैरह हैच करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर है। इसकी मदद से आपका जो कैरेक्टर है वो एक सिंपल पाथ में ऑटोमेटिकली वॉक करने लगेगा। अब बात करते हैं इसके थर्ड फीचर के बारे में। तो इसका जो थर्ड फीचर है वो है मल्टी स्टॉप मोड, इसकी मदद से आप लोग मल्टीपल एरियाज में इस तरीके से टिक लगा के वॉक कर सकते हैं। मैं आप लोग को एग्जांपल स्क्रीन में शो कर रहा हूँ। स्पीड वगैरह एडजस्ट कर लेना एंड वन क्लिक के अंदर आप लोग यहाँ पे वॉकिंग कर सकते हैं। आपका जो पाथ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर है। और भी यहाँ पे GPX रूट का फीचर देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग GPX फाइल है तो आप लोग यहाँ पे इंपोर्ट करके वॉकिंग वगैरह एंड लोकेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप लोग को इसमें हिस्ट्री का फीचर भी देखने को मिल जाता है, जो भी काम आप लोग करते हैं उसकी सारी हिस्ट्री यहाँ पे सेव हो जाती है। इवन तो आप लोग को इसके अंदर जो एस्पेक्ट भी देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो ओवरऑल ये सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, तो आप लोग इसके अंदर पहुँच जाएंगे। ऊपर आप लोग देख सकते हैं वन क्लिक आईफोन GPS लोकेशन, इस ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है।